आइए ताकि तुम्हारे लिए भोजन बना दूं। देखिए और तुम्हारी भूख और तो कोई जतन नहीं है, आप महल में कोई चीज नहीं रही है, तो ऐसा करो जो हमारे बड़े भाई फिस्कर हैं वो सामने महल उनका दिखाई देता है और उनके घर चली जाओ, भाभी चमेली से शेर भर आटा उधार ले आओ, हमारे तुम्हारे पास हो जाएगा, उनका दे दिया जाएगा। ठीक है महाराज, उसी से भोजन बना ले। जा रही हूँ, आप जाइए आराम से। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और जिठनी के महलनी को और जिठनी जी के महलनी को पूरी दमेती जाए रही छप्पर पर राम राम छप्पर भी होती है। काय की राम राम, अपन अपनो कन्नो खानो। मैं कोई बखत पे तुम्हारे द्वारे पे आई है बहन, सुनो। हाँ कहिए। आज मैं तुम्हारे द्वार पर शेर वाले आटा की भीख लेने आई हूं और आज पांच रोज के हमारे पति महाराज भूखे हैं। अरे बहन, मैं आज के दिन किसी को देती नहीं हूँ। क्यों, आज क्या बात है बहन? आज शुक्र है बहना। तो सही बात है बहन, उधार में कोई बात नहीं है। नहीं, बाद में कहने की साजो बटवारो सब करा लो, सुई धागा तक बटवा लो, आज तुम्हें देने से। तुम्हारे का आगे लग गई का? हाँ कहिए। अरे मेरी बहना
हे भगवान, किसी ने कहा है और समय सबका बदलता है, समय की आनी ना बदले और धर्म पे चलने वाली का कभी भगवान ना बदले और जाए रही दबे धन पाते बालम सही मास्टर महाराज कहिए क्या खाना आटा उटा ले आए महाराज? तुम्हारी भाभी ने कहा कि छोटी तुम शेरवर आटा ले जाओगी। अच्छा, अगर जरा पानी पड़ेगा तो गीलो ये। नहीं, ये तो बात सही है। तो तुम्हारी भाभी ने जाके ही हमें रोटियां बना के दे रहे। अच्छी बात है। तो उन्हें खीर खाण के भोजन बना के बांधे तुम्हारे लिए। अच्छा, हमें कुछ मामला और दिखाई दे रहा है। बात क्या है, बात बताओ। प्रणाम जी। तुम्हारी भाभी ने क्या कहा मालूम? क्या बताओ क्या? तुम्हारी भाभी ने कहा कि सत मारोगी एड़ी अब पर जाएगी एड़ी। अच्छा, और कहीं सुनो, तुम्हारी भाभी ने कई सो बता रही हूं मैं। बताओ। कर रे अरे खबरिया पे पाई अरे
कोई बसर जानता है कि अरे नेताना बनिया रात का हुई अरे बेकारी सदाहार हट गए ने आज अरे उल्टा पलट भगा पलटी महिमा आए कछु से शिकायत करूंगा जा करके। ठीक है महाराज जाइए। क्यों भाभी के पास इस समय मेरा जाना अच्छा नहीं है। हाँ आज श्री राजा नल है मेरे वालो बड़े भाई पुष्कर की कचहरी लगी है और भैया से शिकायत के बारे में बड़े भाई के पास जाएगा और देखिए श्री राजानल के लिए ये अंदाजा और पता नहीं है भैया क्या नल के साथ में व्यवहार करेंगे क्या बतावा करेंगे। आज मुझे जाना चाहिए और अपने बड़े भाई से मिलना है शिकायत भी करने के लिए। अरे यार भैया के दरबार में कोई है? हाँ बड़े भैया ना करो बहुत नाम आए क्यों का बात है हमें आगे पीछे का दिखाई पड़ा हमने तुम दोनों भैया भैया मिल जाए हम तुम दो पैसे के नौकर और हम खड़े देखते रहते हमने कोई सात वाली बात समझी अगेला से जगह ना मिली पीछे से ही शुरू हो गए। सात वाली बात आपने सात वाली बात समझी बारे भैया चौंक रहे कैसे नौकर हैं तुम्हारे लिए कोई बात नहीं पढ़े लिखे हैं सो तो अरे उदकना नौकर है जो उदकना ना है छेड़छाड़ मत करियो हाँ छेड़छाड़ मत करियो है ना भैया। हाँ बड़े भाई आज एक बात बताओ क्या कैसे कैसे आवन हुए आज तुम्हारे आने का समस्या है। क्या समस्या है भाई? देखिए काफी दिन हो गए मैंने सोचा भैया के दरबार भी नहीं गए हैं और आज हमारे और एक काम नया हो गया। क्या? देखिए मेरी रानी दमयंती आपके घर गई
और भाभी ने शेर में राटा नहीं दिया, गाली दे करके, धक्का दे करके और घर से निकाल दिया और लात घूसों से मारा। बात सुनो क्या कह रहे हैं कि रानी दमयंती आटा लेने को आई। भैया रानी दमयंती कैसी? ये राजा भीम की लड़की ने सोमवार देखने के लिए गया था राजा भीम के यहाँ और वहीं से मैं इसकी शादी करके लाया। रानी दमयंती की? जी। वाह भैया वाह, ब्याह कर लाओ खबर तक ना। अरे भैया तुम्हारे समझ में नहीं आई, देखिए मैं सोमवार में गया था देखने के लिए, बावनगढ़ के राजा भी है, इंद्र महाराज भी है, 33 कोर देवता है, सभी लोग है और हमको भी हंसदेव दावत दे गए तो हम भी पहुंच गए देखने के लिए। गले में जयमाला पड़ गई यार। ये तो सुंदर है, ये तो पब्लिक में जाए सुंदर मिले। अरे ये तो एक दिल की बात है, इससे क्या लेना देना। कहने का मतलब आपकी धोखे शादी हो गई। हाँ ये बारात लेकर के नर्वस से थोड़े ही गए तो आपको छोड़ के जाते, आप बड़े भाई हमारे। अपने अपने किस्मत की बात है भैया। एक बात पूछना चाहते हैं। बताओ भैया। चलो कोई बात नहीं, आपकी धोखे शादी हो गई। हाँ तो इसी खुशी में आज दीपावली का टाइम है। दीपावली का टाइम? हाँ। तो क्या है? ये होली का त्योहार आ रहा है। हाँ। ऐसा है खुशी वाला टाइम है, खुशी वाला टाइम है, आपकी शादी भी होके आई है। हाँ। और ये होली का त्योहार आ रहा है। क्या कर ले? अच्छा खुशी। हाँ हम तो जो है मनोरंजन करना चाहते हैं आज। काहे को हमसे कैसी? अच्छा इक्का दुक्की वाला ये मतलब? अच्छा यार वो हम नहीं जानते हैं। अरे नहीं यार, अपना अपना नसीब आजमाएंगे, नसीब आजमाने की बात है। अच्छा हाँ। अरे तुम हमारे भाई बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं, आप जो इच्छा हो वो हमसे कह दो, वो हम तो आपको वैसे दे देंगे। अरे नहीं देने वाली बात कुछ नहीं है। और क्या है फिर? खाली अपना अपना नसीब आजमाएंगे। तो हमारा कंपनी घाटा में चल रही है महाराज। अरे वो मालूम तो पड़ जाएगी, हमें खुद दिखाई दे रही है। अरे नहीं यार आप डराते हैं इस बात से, डर ना करें। सुनो भैया हाँ एक सुनने समझने की बात है। सरदार मां मुसीबत गम जुदा मेरे भक्त समय की, मुझे समय अपना भारी भारी दिखाई दे रहा है भैया। और सुनो हाँ सारा